अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ एक और टर्किश कुजीन से बहुत मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चिकन कबाब, बिल्कुल जैसे रेस्टोरेंट स्टाइल में आप खाते हैं, शीश टॉक कबाब इनको कहा जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रेसिपी से। सबसे पहले हमने इसके लिए लेना है चिकन बोनलेस, और आप देख सकते हैं इसको मैंने मोटी क्यूब्स में काटा हुआ है। बहुत बारीक या बहुत छोटा आपने इसको क्यूब्स में नहीं करना। और ये मैंने लिया है 500 ग्राम यानी आधा किलो। अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी मैरिनेशन। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ पिसा हुआ ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी पिसी हुई दालचीनी तकरीबन 1/4 चाय का चम्मच मैंने इस्तेमाल की है। पेपरिका पाउडर ये मैंने लिया है 1 चाय का चम्मच भर के। और इसको स्पाइसी बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसकी मिकदार को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पिसी हुई काली मिर्च इसमें जाएगी 1/2 चाय का चम्मच, इसकी मिकदार को भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक आप इसमें शामिल करेंगे हस्बे ज़ायका। और मैं इसमें डाल रही हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट सुमक पाउडर। ये टर्किश दुकानों से मिल जाता है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप पिसा हुआ अनारदाना इस्तेमाल करेंगे 1 चाय का चम्मच। साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है टोमेटो पेस्ट 1 खाने का चम्मच, और इसमें जाएगा ऑलिव ऑयल ये मैंने लिया है तकरीबन 2 खाने के चम्मच। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट लिम्बू का रस 2 खाने के चम्मच, इसकी वजह से चिकन टेंडर होगा। और टेंडर करने के लिए ही मैं इसमें डाल रही हूँ दही तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच मैंने लिया है, 1.5 से 2 आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये तमाम चीज़ें डाल देने के बाद आपने सिंपली इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि ये मसाले चिकन की तमाम बोटियों पे इक्वली लग जाएं। और इसके बाद आपने इसको कवर करके रख देना है। बेहतर यही है कि आप इसको सारी रात के लिए रख दें मैरिनेट होने के लिए, लेकिन कम से कम आपको 2 घंटे लाजमी करना है अगर आपके पास टाइम नहीं है। मैंने इसको ओवरनाइट मैरिनेट किया है और अगले दिन मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने बैम्बू स्क्वेयर्स लिए हैं और इनको मैंने भिगो लिया था 1 घंटा पहले। अब आपने क्या करना है कि इस तरह से 2 स्क्वेयर्स आप लेंगे और आप एक एक करके ये बोटियाँ चिकन की इसमें असेंबल करते जाएंगे। 1 कबाब के लिए आपको 5 या 6 दरकार होंगी, 5 या 6 ईजिली इसमें लग जाएंगी। बिल्कुल इसी तरह से मैंने तमाम स्क्वेयर्स को या चिकन कबाब को तैयार कर लिया है। अब बारी है इसको ग्रिल करने की। वैसे तो ट्रेडिशनली इसको ग्रिल किया जाता है, आपके पास अगर ग्रिल नहीं है तो आप ग्रिल पैन इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैंने ग्रिल पैन लिया है और इसमें मैंने डाला है ऑलिव ऑयल तकरीबन 1 खाने का चम्मच, और इस तरह ब्रश की मदद से आपने इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है। पैन गर्म हो चुका है, अब आप एक एक करके ये स्क्वेयर या ये चिकन कबाब इसमें रखते जाएं। और जब एक साइड से इनके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए, ये देखिए आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर आया है, तो आप इसकी साइड को चेंज कर दें ताकि ये दूसरी तरफ से भी पक जाएं। मैंने चूँकि रात भर के लिए इसको मैरिनेट किया था इसलिए बहुत जल्दी बन गए थे, बहुत जल्दी बोटी गल भी गई थी। चारों तरफ से ज़बरदस्त यूँ कलर इसके ऊपर आ जाए तो आप इसको निकाल लीजिए। शीश टॉक कबाब आपकी ज़बरदस्त से रेडी हो चुके हैं, और मैंने इसको सर्व किया है येलो राइस के साथ और ग्रिल्ड वेजिटेबल्स के साथ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि नए वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलती रहें। और एक नई रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।